स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टोटल सर्किट में। दोस्तों आज आपको वेटिंग स्केल का ये मदरबोर्ड है इसके बारे में बताऊंगा, जो कैसे कनेक्शन होते हैं इसमें और कैसे इसमें सेटिंग और कैलिब्रेशन होता है इसके बारे में आज बात करेंगे। ये दो टर्मिनल है T1 और T2 और B0, यहाँ पर 909 का ट्रांसफार्मर कनेक्ट होगा और B- और B+ पे बैटरी यानी 6 वोल्ट की बैटरी लगेगी और SW पे स्विच के वायर लगेंगे इस मदरबोर्ड को ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर बैटरी की LED है और ये पावर की LED है एक। और इस जगह पर जो वेटिंग स्केल का लोड सेल लगता है उसके 4 वायर लगेंगे, जो +5 वोल्ट है और ग्राउंड यानी सिग्नल माइनस और सिग्नल प्लस है। और इस जगह पर जो इसके कीपैड लगते हैं वो लगेंगे। और ये जो दो टर्मिनल है इनको शॉर्ट करेंगे दोनों को तो कैलिब्रेशन मोड पे चला जाएगा, यानी इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और कैलिब्रेशन को अगर लॉक करना हो तो इनको खाली ही छोड़ देंगे ऐसे कैसे, और इस जगह पे इसकी डिस्प्ले कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए तो इसको कैसे कनेक्शन करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक 909 का ट्रांसफार्मर लूंगा जो इस जगह पे लगा दूंगा इसको। पहले तो B- के साथ में 0 को कनेक्ट करेंगे और फिर ये दोनों को लगा देंगे। और एक ये स्विच भी लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। अभी मैं बैटरी नहीं लगा रहा, बैटरी वाले को खाली ही छोड़ देंगे। और ये लोड सेल है जो 40 केजी का है, इसको ये जो तीर का निशान है इसको ऐसे लगाएंगे, इधर वेट डालेंगे तो वेट दिखाएगा। इसके 4 वायर है जो ये +5 वोल्ट है रेड वाला और ब्लैक वाला ग्राउंड, और ये सिग्नल माइनस और प्लस है दोनों, और ये शील्डेड भी ग्राउंड होगा इसका, तो इसको भी लगा देते हैं। सबसे पहले ग्राउंड को लगाएंगे। इसको लगा दिया है। अब मदरबोर्ड की वायरिंग तो हो गई है, अब इस डिस्प्ले को भी मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं एक बार। और ये कीपैड भी लगा देता हूँ। अब मैं पावर को ऑन करता हूँ, पावर ऑन हो गया है और इस लोड सेल को दबाव देखते देखते एक तरफ माइनस में आएगा और इस तरफ प्लस में आएगा। इसको एक टाइट कर लेते हैं पत्ती के साथ में। इसको जीरो कर लेते हैं एक बार, वजन रख के देखता हूँ मैं, 1 किलो का वजन है तो ये 822 ही दिखा रहा है, 822 ग्राम। अब एक बार इसमें इसकी जो बेसिक सेटिंग होती है वो देख लेते हैं। इसको वजन को मैं उतार देता हूँ, इसके लिए M+ को दबा के रखेंगे और पावर को ऑन करेंगे और फिर T को दबाएंगे, NF
थ्री को थ्री रहने देंगे और डी एस एस को जीरो, ए जीरो फोर को फोर ही रहने देंगे और डी जीरो को टू, सी एस थ्री को, यानी कैपेसिटी वन एस की 10 किलो की है और डी पी फोर और कैपेसिटी टू है 20 केजी की, और कैपेसिटी थ्री के अंदर ये 30 केजी का है, तो इसको अपन 40 केजी का अपने पास लोड सेल है तो इसको 40 केजी का ही डाल लेता हूँ मैं इसमें 40 केजी, तो एम आर को दबा के 4 लिख देंगे, एम प्लस को दबा के और फिर सेव कर देंगे इसी। अभी 40 केजी का होगा, दोबारा इस सेटिंग को देखने के लिए एम प्लस को वापस दबाएंगे और फिर इसको दबा के वापस जो 30 केजी किया तो वो 40 ही दिखाएगा। अब वापस इसमें वेट रखते हैं, तो वही वजन दिखा रहा है 823 ग्राम लग चुकी। तो इसको कैलिब्रेशन करने के लिए एम ओ और एम आर को दबा के रखेंगे, पासवर्ड आ गया, फिर टी को दबाएंगे और फिर ये एम आर को दबा के 1 लिखेंगे और फिर एम प्लस से इसको 1000 ग्राम कर लेते हैं, यानी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, और टी को दबाएंगे यहाँ से तो ये 1 केजी का वजन हो गया है, और दोबारा रखेंगे 1 केजी दिखाएगा, और पावर को ऑफ करके भी चालू करेंगे वापस तो 1 केजी दिखाएगा। ये तो होगी इसकी कैलिब्रेशन और बेसिक सेटिंग, और एक सेटिंग इसमें और है जो मैं आपको बताता हूँ, जो डिस्प्ले को चालू करते हैं जो इसके अंदर लोगो आता है डिस्प्ले का, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए एम आर को दबा के रखेंगे और फिर पावर को ऑन करेंगे, अनलॉक आ गया। जो इसका मॉडल नंबर है ये PMS 63 है, इस मॉडल नंबर में अनलॉक करने के लिए एम आर को दबा के रखेंगे और पावर को ऑन करेंगे, तो अनलॉक आ गया, टी को दबाएंगे ये पासवर्ड हो गया इसका, और जो फ्रेम नेम है इसको अपने यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं एम आर और एम प्लस से, जैसे ए बी सी, फिर इसको इधर कर देंगे इधर की तरफ ऐसे सी से, ऐसे आप कुछ भी लग सकते हो, और फिर टी से सेव कर देते हो। फिलहाल मैं ये रहने देता हूँ जो पहले है ऑलरेडी है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।